Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Hi, I'm Rahul. Guys, today we are going to discuss the command and request sentences. कमांड एंड रिक्वेस्ट सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करना है वो आज मैं आपको बताता हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि कमांड और रिक्वेस्ट सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम टूस ऐड करते हैं, क्योंकि वर्ब 1 से शुरू होता है कमांड सेंटेंस जो होता है वो वर्ब 1 से टू इन्फिनिटिव जिसे बोलते हैं, तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम क्या यूज करते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके टू का यूज करते हैं। तो इसमें जो चेंज होता है वो कोई खास तो नहीं होता है। एक बात होता है, यदि ऑर्डर कमांड सेंटेंस है तो कमांड सेंटेंस में आपको ऑर्डर्ड होता है, या तो ऑर्डर्ड होगा या फिर सेड को टोल्ड में बदला जाता है। तो अभी मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये समझाता हूं। एग्जांपल है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, एग्जांपल है द डॉक्टर सेड टू मी, द डॉक्टर सेड टू मी स्टॉप स्मोकिंग। ठीक है, तो डॉक्टर सेड टू मी स्टॉप स्मोकिंग का अब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो स्टॉप स्मोकिंग है, स्टॉप स्मोकिंग है, तो ये क्या है, एक कमांड सेंटेंस है। अब इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है, तो यहां पे द डॉक्टर सेड टू जो है वो टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, कमांड सेंटेंस में आपको यदि लग रहा है कि यदि एक आदेश है, ऑर्डर है, कमांड है, तब तो आप सीधा ऑर्डर्ड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर एक एडवाइस टाइप का दे रहा है, मतलब हम टोल्ड लिख सकते हैं यहाँ पे, तो वी कैन राइट टोल्ड हियर। तो विल राइट वॉट, द डॉक्टर टोल्ड मी। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके हटा करके हम टू एड करेंगे। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम क्या यूज करेंगे, टू एड करेंगे। तो द डॉक्टर टोल्ड मी टू और स्टॉप स्मोकिंग है वो जैसा का तैसा हो जाएगा, इसमें कोई टेंस नहीं चेंज करना है। हम लिख लेंगे क्या, टू स्टॉप स्मोकिंग, तो एकदम इजी है। द डॉक्टर टोल्ड मी टू स्टॉप स्मोकिंग, ये हो गया आपको। तो वैसे अब आप देख सकते हो, एक हम देखते हैं और सेंटेंस है जो कि है गेट आउट ऑफ द कार सेड द पुलिसमैन। तो यहां भी जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या है, वो वर्ब 1 से शुरू है, वर्ब 1 क्या से शुरू हुआ सेंटेंस आपका क्या है, गेट आउट ऑफ द कार। तो गेट आउट ऑफ द कार सेड द पुलिसमैन, तो यहां पे ऑर्डर है। ठीक है, यहां पे क्या है, ऑर्डर है, तो हम क्या लिखेंगे, द पुलिसमैन ordered him, the policeman ordered him to get, अब यहां पे फिर टू से एड कर देंगे हम लोग कॉमा इन्वर्टेड को। गाइस, जो सेड टू पुलिसमैन है वो आखिरी में था, बाद में था, वो आप कहीं भी आगे भी लिख सकते हो रिपोर्टेड स्पीच या पीछे भी लिख सकते हो, लेकिन जब हम शुरू करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना तो रिपोर्टिंग वर्ब वाले मैटर को हम फिर इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करते हैं तो पहले लेकर के आते हैं। तो द पुलिसमैन ऑर्डर्ड हिम, देख लो आप, द पुलिसमैन ऑर्डर्ड हिम। अब यहां फिर से हम लोग रिमूव करेंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे, तो टू गेट आउट ऑफ द कार, यहां पे टू गेट आउट ऑफ द कार, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। द पुलिसमैन ऑर्डर्ड हिम, यहां पे ऑर्डर है तो हम ऑर्डर्ड लिख देंगे, ऑर्डर्ड हिम टू गेट आउट ऑफ, सीधा फिर टू यूज करेंगे, और जो है गेट आउट ऑफ द कार वो सीधा गेट आउट ऑफ द कार हम लोग लिख देंगे। तो यहां पे जरूरी होता है जो टू का यूज करना होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बाय रिमूविंग कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। अब देखते हैं कि रिक्वेस्ट सेंटेंस, तो हमारा जो रिक्वेस्ट सेंटेंस है वो क्या है, रिक्वेस्ट सेंटेंस है, देख लो, सी सेड, या सी सेड प्लीज बी क्वाइट, सी सेड प्लीज बी क्वाइट, तो प्लीज लगा हुआ है तो वैसे ही रिक्वेस्ट सेड हो गया, प्लीज लगा हो, काइंडली लगा हो, तो वो सेंटेंस हो जाता है आपको रिक्वेस्ट सेंटेंस। तो अब इसको इन्वर्टेड कॉमा कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में वो हम आपको बता देते हैं। तो इसमें भी गाइज प्लीज है तो ये तो पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट सेंटेंस है, काइंडली है तो रिक्वेस्ट सेंटेंस हो जाएगा। तो इसमें जो सेड होता है उसको आस्क्ड लिख देना है। ठीक है, रिक्वेस्ट सेंटेंस में
asked लिखना है, ठीक है? तो she asked अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लिखना है, टू लिखना है, तो she asked to be quiet है, तो be quiet को फिर जैसा का तैसा लिख देंगे, तो she asked to be quiet, या हम requested भी लिख सकते हैं, she requested to be quiet। तो ऐसे करके जो कमांड और रिक्वेस्ट सेंटेंसेस होते हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड वंस अगेन आई वांट टू टेल यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब इट टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ द वीडियोस। इफ यू हैव एनी कमेंट पुट दैट इन द कमेंट बॉक्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।